अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 90%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपने लिखना है 1 - α = 0.9, 90% 0.9 होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद और क्या गिवन है, सिग्मा गिवन है, एज इट इज सिग्मा लिख लिया, सिग्मा इज 3, ओके। फिर उसके बाद सैंपल की वैल्यूज दे दी, जब सैंपल की वैल्यूज दे दी तो एन यहाँ से हमने खुद लिख लेना है कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। एक्स बार हमने खुद कैलकुलेट करना है, इन सबको ऐड करके 4 पे डिवाइड किया, तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। जब आपके पास एन भी आ गया, आपके पास एक्स बार भी आ गया, सिग्मा भी आ गया और 1 - α भी आ गया, चारों वैल्यूज आ गई सारी, फिर हम इसमें लोअर का फॉर्मूला लगाएंगे और लोअर फाइंड कर लेंगे, अपर का लगाएंगे और अपर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हम एक करते भी हैं लेकिन अभी ये वाला आप कर लीजिएगा खुद, छोटा सा क्वेश्चन है 4 वैल्यूज के साथ। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में देखिए क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ अमाउंट पोर्ड इनटू बॉटल्स बाय अ ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, वो जो बॉटल्स नहीं फिल करते कोल्ड ड्रिंक्स की, वो खुद ही फिल होती है ना मशीन से, और वो जब कंप्लीट हो जाता है तो वहां आके वो उसकी नोजल बंद हो जाती है और वहां से ड्रिंक करना बंद हो जाता है, ठीक है। कोई भी मेडिसिन की भी बोतल जो है ना, वो इसी तरह से फिल होती है। उसने कहा 1.8 ml है, ठीक, वो ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन जो है वो इस तरह से फिल कर रही है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, इट मींस दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1.8, ठीक है जी। ये आपका आसान हम लिखेंगे, दिस इज ml। अच्छा, द अमाउंट ऑफ फिल इन अ रेंडम सैंपल, अब सैंपल की बात होगी, ठीक है, ऑफ बॉटल्स ए वर दिस वन, अब ये कितनी वैल्यूज आएंगे काउंट करें जरा, ये आपका एक्स है एक्चुअली, ये सारी वैल्यूज आपकी एक्स की वैल्यूज है। आपने यहाँ से एन भी कैलकुलेट करना है, एन कितना है इनका काउंट तो देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है, 8 ही है ना। तो एक्स बार भी यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लेना है, इन सब वैल्यूज को एड करके और 8 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका एक्स बार आ जाएगा। अच्छा, सिग्मा हमें गिवन है, एक्स बार भी आ गया और अब आपको चाहिए 1 - α, 1 - α कितना है, कंस्ट्रक्ट 90%, ठीक है जी। ये आपका हो गया 1 - α, और किसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, उसने आपको बता दिया मीन का निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखे आपका जिक्र होना चाहिए कि किसका निकाल रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी जिक्र है आपका, हाँ गया 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, ठीक है, और नॉर्मल का जिक्र भी होना चाहिए, इसमें भी देखिए नॉर्मल का जिक्र है, तो फिर आप निकाल सकते हैं ये लोअर और अपर लिमिट। सबसे पहले हमारा एन कितना था इस क्वेश्चन में, एन था जी 8, एक्स की वैल्यूज क्या थी वो आपकी सारी इस तरह लिख ली यहाँ पे, ठीक है, कॉमर्स के साथ लिख ली सारी कॉमर्स। आपने मुझे बताना है समीशन एक्स कितना है, फिर हम एक्स बार लिखेंगे विच इज इक्वल टू समीशन, आप समीशन एक्स निकाल लो जल्दी से, ओवर एन, ठीक है, ओवर तो हमें पता है 8 आना है और समीशन एक्स आपने मुझे बताना है। जब तक मैं लिखती हूँ 1 - α, आपके पास बुक है ना, 3 आया सिर्फ, 38 आया, गुड, ये कितनी अच्छी बच्ची है दीदी, वेरी गुड, यू हेल्प मी, ठीक है, 3840, ओके चले जी, कोई और इसको डिवाइड भी कर दे, 1 - α है 0.9, ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा 0.1, 4, 8, 0 जी जी, और क्या आया जल्दी से लिखते हैं, शाबाश, 480 जाएगा, ठीक है, ओके, ये आपका एक्स बार आ गया 480, ठीक है, ठीक है, आपके गेट बन गया इसका। अच्छा, अब हम 1 - α है जी बेटा, 1 - α ये गिवन है ना क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में ये 9 नहीं था, 90% के 95 था, दोबारा देख लेती हूँ, ठीक है, ये देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 90% ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये 90% नजर आ रहे हैं, तो 90% ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है और तो 1 - α जो है वो 90% आ गया, तो हम वापस आते हैं अपने इसमें। अच्छा, अगला जो है इसमें हमने काम क्या करना है, 1 - α हो गया, फिर अल्फा भी हमने निकाल लिया, अब क्या करना है, अब हमने ये करना है अल्फा बाय 2 देखना है, अल्फा बाय 2, तो अल्फा बाय 2 इसको जब डिवाइड किया तो 0.05 आ जाएगा,
ठीक है 0.05। अब हमने करना है 1 माइनस अल्फा बाय 2, तो क्या हो जाएगा, इसी को 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.95 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक और काम करना है, इस पे z फाइंड कर लेना है 0.05 पे, और z लेना है 0.95 पे। आप निकालने जी वो टेबल अपना और 10a टेबल, और इन दोनों की वैल्यूज निकालते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं। चलो जी मैं टेबल निकालती हूँ। हाँ जी, ये 10a आ गया। 10a में देखें ये वाली वैल्यू आपकी इस पेज के ऊपर, ये 0.5 है ना, इसके सामने ये वैल्यू है, नजर आ गई, -1.6449। दूसरी वैल्यू हमने देखनी थी 0.95 पे, ये नोट कर लिया आपने, नेगेटिव में है। ठीक है, अल्फा बाय 2 नेगेटिव पे है। अच्छा, अब हम देखते हैं अगली 0.95 पे, और ये 0.95 को भी मैं अगर कलर करूं और उसको हाईलाइट करूं तो ये आ गई आपकी वैल्यू 0.95 पे, नजर आ गई, वही वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव में है, 1.6449 वैल्यू है। अच्छा जी गर्ल्स, तो फिर ये दोनों वैल्यूज 1.6449 मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इतना सा नोट कर लिया आपने, अब हम इसको रब करते हैं। मेन नोट कर लें 480 है, सिग्मा इस क्वेश्चन में कितना गिवन था वो भी नोट कर लेते हैं, देखा है अपनी बुक में कि क्या था सिग्मा, फिर हम इसको अरेंज कर लेते हैं और फिर दोबारा से सॉल्व करते हैं। एन इज 8, एक्स बार इज 480, अच्छा, और सिग्मा कितना था जरा बुक में देख कर आए, क्योंकि अब मेरे बुक में ना वो टेबल निकला हुआ है, देर लग जाएगी मुझे निकालने में। अच्छा, और जेड अल्फा बाय 2 था हमारे पास, -1.6449, 1.8, चले गुड, और जेड 1 माइनस अल्फा बाय 2 था, ये सारा डेटा हमने लिख दिया 1.6449। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लोअर का फॉर्मूला लिखना है, बल्कि ऐसे लिखना है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, मीन के लिए लिखा था ना इज, ठीक है, और इसके बाद हमने लिखा लोअर, लोअर का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस 1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, और अपर का फॉर्मूला है एक्स बार प्लस 1 माइनस अल्फा बाय 2 और सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। बुक में दोबारा देख लें फॉर्मूलाज, इसमें अल्फा बाय 2 है एक्चुअली, हमारी जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी ना तो ऊपर वाला नेगेटिव आना चाहिए, 480 माइनस 1.6449, ये माइनस के साथ आएगा, मेरा माइनस लिखा गया, चले, और इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 480 मीन प्लस 1.6449। अच्छा, उसके बाद हमारा साथ मल्टीप्लाई क्या होना है, फैक्टर जी, क्या फैक्टर है वो, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, सिग्मा कितना है 1.8 और एन कितना है अंडर रूट में 8, और यही फैक्टर हमारा यहाँ पर भी होना है। चला जल्दी से इसको सॉल्व करें अपने कैलकुलेटर पे पूरे एक्सप्रेशन को, और मुझे बताएं कि ये कितना आंसर आता है अंडर रूट 8। ये कि अगर हम यहाँ पर इसको इतना प्लॉट करें तो यहाँ लोअर आएगी और यहाँ आपकी अपर आएगी, अपर वाली वैल्यू ऑब्वियसली नंबर लाइन हमारी 0 to infinity है तो अपर शुड बी मोर देन लोअर, लोअर की कम होनी चाहिए, लोअर इज लेस देन अपर, तो अपर की पॉजिटिव करेंगे तो आगे आएगी ना, लोअर की माइनस करेंगे तो कम होगी ना, पीछे जाएगी, इसलिए नेगेटिव वाली उधर आनी चाहिए, तो हमने ये नेगेटिव वाला यहाँ लिख लिया, ये वाला जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, और इसी तरह से इसमें पॉजिटिव साइन आएगा और इसमें ये वाला नेगेटिव साइन आएगा। 478 और दूसरा कितना था अपर वाला, यहाँ पे जो एच पी आ रहा है 481, ओके, यही तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी, अब ठीक है, ठीक है, अब 7 पॉइंट्स भी होंगे जाहिर है, आंसर क्या है जी 3 का, 478 और 481 है, ठीक है, ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।